दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज 5 सितंबर के दिन मैं आप सभी को लेकर चलता हूं हर की पैड़ी के प्रमुख घाट पर और दर्शन कराएंगे और उसके साथ साथ जल की ताज़ा स्थिति के बारे में भी जानेंगे। कैसा माहौल है हर की पैड़ी में, हरिद्वार में, ये सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज मुकेश हेल्प में हरिद्वार की वीडियो आई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी मैं इस समय सुभाष घाट में हूं और सुभाष घाट के ये सुंदर दृश्य आप सभी इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सुभाष घाट को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन हर की पैड़ी में जो प्रमुख घाट है वहां भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे होंगे। दोस्तों आज हो सकता है मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी कम आपको सुनाई दे, क्योंकि मेरे दांत में जो है वो दर्द है, कल दिन से ही काफ़ी दर्द है, जिसकी वजह से कल तक शाम तक तो बोल पाना भी मुश्किल था, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटर है। तो आप सभी को दर्शन कराने के लिए ही मैं हर की पैड़ी पहुंचा हूं। दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार करें, कुछ ही देर में हम प्रमुख घाट तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इसी तरह हरिद्वार ऋषिकेश की वीडियो देखना चाहते हैं, यात्रा से संबंधित जानकारी पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आइए आप सभी को माँ गंगे के दर्शन कराते हैं। आज जल का बहाव जो है यहाँ से देखने में तो अच्छा खासा नज़र आ रहा है। ये भागीरथ सेतु है, इसके आप सुंदर दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों अब आप सभी नाई घाट के दृश्य देख सकते हैं। ये सामने आपको नाई घाट नज़र आ रहा है। नाई घाट में भी काफ़ी श्रद्धालु हैं, लेकिन यहाँ से घंटाघर घाट में काफ़ी ज़्यादा संख्या नज़र आ रही है, तो थोड़ी देर में हम घंटाघर घाट पर भी चलेंगे और ब्रह्मकुंड घाट के भी ताज़ा दर्शन करने वाले हैं। आप जल का फ्लो देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ है और रेत भी काफ़ी ज़्यादा आज नज़र आ रही है। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों आप यहां से माँ गंगे के सही से दर्शन कर सकते हैं। आइए आप सभी को गंगा जल के पास ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं। आज जल में रेत की जो मात्रा है एक बार बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। आज कई दिनों के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा नज़र आ रही है, नहीं तो बहुत ही कम लोग आ रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग चार धाम यात्रा का प्लान करना चाहते हैं तो सितंबर लास्ट वीक से आप चार धाम यात्रा कर सकते हैं, और उससे पहले अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सितंबर के लास्ट वीक से आराम से अक्टूबर के लास्ट वीक तक चार धाम के जो कपाट हैं वो खुले रहेंगे, तब तक आप एक महीने का समय है जब तक आप सभी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं ये है अस्थि प्रवाह घाट और इस तरफ है ब्रह्मकुंड घाट और इस तरफ है घंटाघर घाट, जहां पर काफी ज्यादा श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी जल्दी आगे शेयर कर दें,
बस एक ही काम आपको करना होता है कि वीडियो को जल्द जल्दी आगे शेयर कर दें ताकि आपके माध्यम से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, दर्शन कर सकें। दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये हर की पैड़ी के प्रमुख मंदिर हैं। इनमें गंगा माता जी का एक प्राचीन मंदिर है, आप ये सामने देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। प्राचीन श्री गंगा जी का मंदिर, मुख्य मंदिर, राजा भगीरथ जी की कृपा से ही जो माँ गंगे है वो हरिद्वार तक पहुँची थी, और उसके आगे और भी जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो शहर हैं, सभी जगह गंगा जी पहुंची, जिसकी वजह से आज के समय में बहुत सारे जो जनसंख्या है वो गंगा जी पर निर्भर है। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं मालवीय घाट की ओर, और मालवीय घाट के भी सुंदर दृश्य इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है कि हरिद्वार आने के बाद कौन से धर्मशाला या आश्रम में रुके, तो मैंने बहुत सारी वीडियो इस चैनल में बना रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो धर्मशाला मुकेश हेल्प डालकर सर्च कर सकते हैं, जिसमें धर्मशाला की बहुत सारी वीडियो आपको दिख जाएंगी। ऐसे ही आश्रम मुकेश हेल्प टाइप करके सर्च करना है, जिसमें मुकेश हेल्प की आश्रम की सभी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ऐसे ही होटल मुकेश हेल्प टाइप करके सर्च कर लेना है यूट्यूब में, सभी मुकेश हेल्प की इस टाइप की जो वीडियो हैं आपको दिख जाएंगी, तो वहाँ से आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि मुकेश हेल्प चैनल में जो वीडियो हैं वो ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोग हैं जिनका बजट कम है और हरिद्वार यात्रा करना चाहते हैं, उससे संबंधित जानकारी दी गई है। आइए चलते हैं, एक और सुंदर दृश्य आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं पवित्र गंगा जल में इस समय डुबकी लगा रही हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है, शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे।